उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। तकरीबन 15 घंटे तक लगातार बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया है। नदी नाले उफान पर आ गए हैं, इससे उनके किनारे बने कई घरों को क्षति पहुंची है। बारिश के दौरान कई जगह पुश्ते और दीवारें धराशायी हुई हैं, जिनका मलबा पानी के साथ घरों और दुकानों में घुस गया है। कई जगह सड़कों पर मलबा आने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। आईटी पार्क के समीप तेज बारिश में बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। प्रशासन और नगर निगम की टीम के साथ एसडीआरएफ दिन भर राहत कार्य में जुटा रहा। आपको बता दें कि दून में तड़के करीब 4 बजे शुरू हुई मूसलाधार बारिश से कुछ ही घरों में नदी नालों का जलस्तर बढ़ने लगा। डालनवाला की सूरज बस्ती में रिस्पना नदी का पानी दर्जन भर घरों में घुस गया। सड़क का मलबा और पानी कई घरों में घुस गया। मसूरी और आसपास के इलाकों में भी कई घरों को बारिश के पानी और मलबे से नुकसान पहुंचा है। ये कैंपटी फॉल का तो पूरा ही आ गया। चाहे कहीं भी रहें, अपने शहर से जुड़े रहें और अपने शहर की हर खबर के लिए डाउनलोड करें लोकल लाइव ऐप गूगल प्ले पर उपलब्ध।